Now next C program, is case में just again perform करें insert operation in a specified array with respect to position of the element. अभी तक just मैंने new element insert कराया था based on given elements और different different criteria, लेकिन इस case में just element का insertion perform कराएं with respect to indexed positions, means position means four examples. इस केस में अगर एरे के केस में इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्स किस प्लेस से स्टार्ट होता है, डायरेक्टली फ्रॉम 0 0 1 2 एंड सो ऑन. लेकिन अगर पोजीशन के रिगार्डिंग बात करें तो पोजीशन किस प्लेस से काउंट होंगे, फ्रॉम 1. फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन काउंट करोगे एज अ 1 में, जस्ट नीचे मेंशन करो एज अ पोजीशंस 1. सेकंड एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा 2. थर्ड एलिमेंट का पोजीशन 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. क्लियर द केस ऑफ पोजीशन. तो जस्ट इस केस में जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे तो इंसर्ट के केस में जस्ट इंसर्ट फंक्शन को कॉल करने का वे क्या रहेगा, इंसर्ट सारे के सारे में ऑपरेशन किस फॉर्म में राइट करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एज इंसर्ट. तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट के पास उस एरे का एड्रेस पास करें जिस एरे में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, सपोज दैट एरे ए. देन इसके साथ साथ सप्लाई क्या करें, करेंट साइज ऑफ एरे. करेंट साइज मीन्स करंटली अवेलेबल एलिमेंट्स. तो करंटली से एरे के अंदर अगर मैक्सिमम साइज की बात करें तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेशल होगी, 10 एलिमेंट्स. लेकिन करंटली अवेलेबल एलिमेंट्स कितने हैं, 5 एलिमेंट. उसका करंट और इनिशियल साइज क्या है, जस्ट 5. इसके साथ साथ सप्लाई क्या करें, करंट साइज एन. थर्ड आर्गुमेंट में सप्लाई क्या करोगे, इंसर्टेड एलिमेंट मीन्स एनी थिंग, कोई भी आइटम पास करना पॉसिबल है. फोर्थ आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ द सॉरी पोजीशन फॉर इंसर्टेड प्लेस, मीन जिस प्लेस पर आप इंसर्ट करना चाहते हो उस प्लेस का जस्ट पोजीशन पास करें. तो इस केस में अगर करंटली एरे के अंदर ऑलरेडी एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग है, इस केस में पोजीशन क्या हुआ, अप टू एन. मीन्स इस केस में वैलिड पोजीशन क्या होंगे न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए, फ्रॉम 1 टू 1 टू n. इसे एलिमेंट इंसर्ट का होना चाहिए इन बिटवीन दैट पोजिशन, इसके अलावा किसी भी अदर प्लेस पर आप इंसर्ट नहीं कराओ. क्लियर. नेक्स्ट, तो फाइनली लास्ट केस क्या पास करोगे, पोजीशन ऑफ इंसर्टेड प्लेस. पोजीशन वर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन 1 से काउंट होगा जबकि इंडेक्स 0 से काउंट होंगे. तो पोजीशन और इंडेक्स में जस्ट रिलेशन क्या है, किसी भी एलिमेंट का अगर इंडेक्स आई है तो उसका पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन क्या रहेगा इस केस में, इंडेक्स क्या है आई, सॉरी अगर पोजीशन पी है देन इसका इंडेक्स क्या हुआ, जस्ट पी माइनस 1. सेम एज पोजीशन की बात करें, अगर इंडेक्स गिवन है आई देन पोजीशन क्या हुआ, आई प्लस 1. इसी तरह रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड इंडेक्स चेक कर सकते हो. फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 0, तो पोजीशन क्या है 0 प्लस 1 इज 1. सेम एज सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 है तो पोजीशन क्या है 2. इस जस्ट दोनों में डिफरेंस कितने का, एग्जैक्टली 1. तो इस केस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए टोटली इंसर्ट फंक्शन में इनपुट्स कितने पास होंगे, 4 इनपुट्स. तो इनपुट कॉलिंग प्लेस से सप्लाई करोगे एज अ आर्गुमेंट. नेक्स्ट के लॉजिक्स के केस में बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर कॉलिंग सेम फंक्शन लाइक दैट. इस केस में करंट एरे में कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए सप्लाई क्या करो, एरे ए, करंट साइज ऑफ एरे क्या है करंटली 5 और मे बी एन. क्लियर. नेक्स्ट वन, यू वॉन्ट टू इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट एज 25. लेकिन 25 मुझे किस पोजीशन में इंसर्ट कराना है, जस्ट थर्ड पोजीशन. तो इस केस में मैंने पास क्या किया एज अ 3. जरूरी नहीं कि एलिमेंट इस केस में असेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए एलिमेंट, किसी भी फॉर्म में पॉसिबल है. क्लियर. नेक्स्ट वन, फाइनल इस केस में इस कॉलिंग के लिए जस्ट ऑपरेशंस क्या होंगे, मीन्स पोजीशन गिवन है देन वन थिंग क्लियर है, एलिमेंट किस प्लेस पर इंसर्ट होगा, ए ऑफ पोजीशन माइनस 1 इक्वल्स टू डायरेक्टली आइटम, दिस इज द वैलिड प्लेस फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट. इस अगर इस केस में पोजीशन 3 पास किया तो थर्ड पोजीशन का इंडेक्स क्या है, पोजीशन क्या है 3 लेकिन इसका इंडेक्स क्या है 2, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, जस्ट 2. तो ए ऑफ 2 में क्या आसान हो जाएगा, इंसर्टेड एलिमेंट वाट एवर यू वॉन्ट इज 25. क्लियर. लेकिन प्रॉब्लम क्या, अगर आप इस तरह से डायरेक्टली इंसर्शन कराओ देन एग्जिस्टिंग एलिमेंट रिप्लेस किससे हो जाएगा, न्यू एलिमेंट से. मैं कह चाहता हूँ इसके इसमें एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को डायरेक्टली रिप्लेस न करा के सबसे पहले करेंट प्लेस ऑनवर्ड जो भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट फाउंड हुए सारे के सारे एलिमेंट पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट करा हुए देन ओनली इंसर्शन ऑपरेशन पॉसिबल. तो सबसे पहले डायरेक्टली इंसर्शन हुआ, पहले शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग किस प्लेस से किस प्लेस तक परफॉर्म कराना है, शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम
लास्ट एलिमेंट मीन राइट टू लेफ्ट शिफ्टिंग कराओ, सबसे पहले राइट मोस्ट एलिमेंट शिफ्ट कराने नीड होगी, क्यों डायरेक्टली 30 को शिफ्ट कराना पॉसिबल, क्यों 30 को नेक्स्ट प्लेस पर शिफ्ट करा दो 40 रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन 50 का बाद वाला प्लेस कैसा है वैलिड और एम्प्टी, देन पहले 50 शिफ्ट करोगे, देन 50 शिफ्ट करोगे 50 का करंट प्लेस एम्प्टी हो जाएगा, देन करंट प्लेस पर क्या आसान कराओगे 40 सेम एज एंड सो ऑन। देन इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट किस प्लेस से शिफ्ट होना स्टार्ट होगा फ्रॉम एन माइनस वन, और एन माइनस वन वाला एलिमेंट किस पोजिशन में शिफ्ट होगा जस्ट एंथ पोजिशन। नेक्स्ट केस अप टू विच केस अप टू पोजिशन माइनस वन मीन से इंडेक्स मीन से जो भी इंडेक्स है गिवन पोजिशन है थ्री, तो इस केस में शिफ्टिंग कब तक होगा सेकेंड इंडेक्स तक मीन पी माइनस वन, दिस द कंडीशन। तो इस केस में जस्ट शिफ्टिंग के लिए लॉजिक्स क्या होंगे, सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएं शिफ्टिंग, वी आर यूजिंग फंक्शन नेम इज वॉइड इंसर्ट, इंसर्ट के केस में इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड हैं 4 इनपुट्स, फर्स्ट केस में पास क्या हो रहा है एरे का बेस एड्रेस इसलिए रिक्वायर्ड क्या हुआ पॉइंटर, सेकेंड केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ जस्ट साइज ऑफ एरे, थर्ड आर्गुमेंट में पास क्या हो रहा है इंसर्टेड आइटम, फोर्थ आर्गुमेंट क्या इस केस में जस्ट पोजिशन इंटीजर पोजिशन पी। वन मोर थिंग्स, जब आप कोई पोजिशन पास करोगे सपोज दैट इस केस में वैलिड पोजिशन क्या है फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि ओनली 5 एलिमेंट हैं, लेकिन अगर सपोज दैट इस केस में पोजिशन मैंने पास कर दिया 10 और 15 और माइनस 5 तो वैलिड पोजिशन है इनवैलिड, ऑल आर इनवैलिड पोजिशन। इंसर्ट करने से पहले या शिफ्टिंग करने से पहले आप चेक करोगे गिवन पोजिशन इज वैलिड और इनवैलिड, अगर इनवैलिड पोजिशन है तो उस केस में आपको इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, देन इस केस में पता कैसे चलेगा एलिमेंट इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस केस में रिटर्न क्या कराएंगे आइदर ट्रू और फॉल्स, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर, क्योंकि कॉलिंग प्लेस पर आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे एरे का साइज इंसर्ट होने के बाद एरे का एक्चुअल साइज जस्ट 1 से इंक्रीज होगा, लेकिन इंक्रीमेंट सभी केस में होगा और ओनली इन केस ऑफ इंसर्शन, अगर इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ देन ओनली आपको एरे का साइज इंक्रीज करने की नीड होगी, तो रिटर्न क्या कराएंगे आइदर ट्रू ऑन सक्सेस ट्रू ऑन फेल्यूर फॉल्स, ट्रू मीन्स 1 फॉल्स मीन्स 0 क्लियर। तो जस्ट इस केस में एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल आई, तो फर्स्ट केस सबसे पहले चेक क्या करोगे पोजिशन ऑफ मीन्स गिवन पोजिशन, तो वैलिड पोजिशंस क्या होंगे बिटवीन 1 to n, 1 to n के लिए जस्ट रेंज अप्लाई करने के लिए लॉजिक क्या हुआ इफ सपोज दैट अगर पोजिशन 1 से छोटा है, इफ पोजिशन इज लेस देन 1, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है या तो पोजिशन 1 से छोटा है या फिर पोजिशन जस्ट n से बड़ा है, इन दोनों ही केस में इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं मीन्स इस केस में जस्ट रिटर्न क्या करा दो डायरेक्टली फॉल्स विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन, डायरेक्टली रिटर्न क्या हो जाएगा फॉल्स। अगर पोजिशन का वैल्यू माइनस फाइव पास किया तो माइनस फाइव के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू, रिटर्न क्या होगा जीरो। सेम अगर पोजिशन 10 पास किया है तो n का वैल्यू क्या करेंटली 5, 10 ग्रेटर देन 5 सेकेंड कंडीशन कैसा है ट्रू, तो इस केस में रिटर्न क्या हो जाएगा जीरो क्लियर। अदरवाइज अगर कंट्रोल में से कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल करने आउटसाइड इफ, देन आउटसाइड इफ आए तो इंसर्शन पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टली इंसर्शन पॉसिबल है क्या नहीं, पहले शिफ्टिंग परफॉर्म कराएं, शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम एन माइनस वन, तो शिफ्टिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा फोर लूप में आई में क्या इनिशियलाइज करेंगे जस्ट एन माइनस वन, प्लस कंडीशन क्या है पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट कब तक हुआ जब तक आई का वैल्यू आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी माइनस वन, जब तक आई का वैल्यू पी माइनस वन से बड़ा, पी माइनस वन मीन्स इंडेक्स मीन्स आप पोजिशन के रिस्पेक्ट में शिफ्ट होंगे इंडेक्स के रिस्पेक्ट में, इंडेक्स क्योंकि एरे के लिए ऑपरेशन इंडेक्स के रिस्पेक्ट में अप्लाई करें, जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे अभी। देन आई जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है इसलिए रिक्वायर्ड क्या हुआ आई माइनस माइनस एवरी टाइम ए ऑफ मीन्स करंट प्लेस अगर आई है तो नेक्स्ट प्लेस क्या हुआ आई प्लस वन, तो करंट प्लेस का एलिमेंट नेक्स्ट प्लेस में असाइन हो रहा है इसलिए असाइनमेंट किस में हो रहा है आई प्लस वन इंडेक्स में, और असाइन कौन सा एलिमेंट हुआ ए ऑफ आई क्लियर। फाइन इसको टेस्ट करेंगे, देन इस लूप का पर्पज क्या है जस्ट एलिमेंट को राइट पोजिशन में शिफ्ट कराना, शिफ्टिंग होने के जस्ट बाद एलिमेंट इंसर्ट करना पॉसिबल है, जैसे ही एलिमेंट इंसर्ट करा हुए तो इस केस में जस्ट एलिमेंट इंसर्ट किस पोजिशन में हुआ ए ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू जस्ट आइटम, अगर कंट्रोल यहां तक आ चुका तो इसका मतलब इंसर्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुई, देन रिटर्न क्या कराओ इसके साथ रिटर्न प्लस वन, रिटर्न क्या हो जाएगा जस्ट प्लस वन, वन मीन्स ट्रू। चेक करते हैं इस केस में ऑपरेशन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, जस्ट इस केस में पास क्या किया गिवन केसेस और गिवन फंक्शन कॉलिंग, इन दैट केस जस्ट पोजिशन क्या पास किया है एन का वैल्यू क्या है फाइव
और इंसर्टेड आइटम का वैल्यू क्या पास किया है, आइटम इज 25। नेक्स्ट वन पोजीशन क्या पास हो रहा, पोजीशन पी, पी का वैल्यू क्या पास हुआ 5। क्लियर, इस पर्टिकुलर केस के रिस्पेक्ट में सॉरी पोजीशन पास किया जाए 3। यू वांट टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट इन थर्ड पोजीशन। क्लियर, इस केस में जैसे सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगा 3 less than 1, कंडीशन फॉल्स, 3 greater than 5, कंडीशन फॉल्स, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। कंट्रोल का लूप के केस में, लूप के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट कराया था, वन मोर वेरिएबल इज आई, इंडेक्स वेरिएबल आई, आई में जस्ट आसान क्या हो रहा है एन माइनस वन, एन का वैल्यू 5 है, 5 minus 1 is 4, तो आई इनिशियली सबसे पहले किस इंडेक्स में सेट हो चुका, 4th इंडेक्स। क्लियर, तो सबसे पहले इस केस में शिफ्टिंग कराओगे, शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट एलिमेंट से और एलिमेंट किस पोजीशन में इंसर्ट कराना, थर्ड पोजीशन, लेकिन थर्ड पोजीशन पहले एम्प्टी बनाने के लिए या गैप क्रिएट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होंगे, डेटा शिफ्ट ऑपरेशन द राइट पोजीशन। जस्ट इस केस में कंडीशन टेस्ट हुआ आई के केस में, कंडीशन क्या राइट डाउन किया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू पी माइनस वन, पी माइनस वन मीन पोजिशन, पोजिशन 3 है, 3 minus 1 is 2, दिस इज द कंडीशन। करेंटली आई का वैल्यू क्या है 4, 4 greater than equals to 2, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन बॉडी पार्ट में आई का वैल्यू क्या है 4, 4 plus 1 is 5 एंड 4, तो फिफ्थ इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट आसानी किसमें होगा फिफ्थ इंडेक्स में, मीन फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें होगा फिफ्थ इंडेक्स, इस प्लेस पर कॉपी क्या हो गया 50, तो करंट प्लेस लॉजिकली कैसा हो चुका है एम्प्टी, क्योंकि 50 को ऑलरेडी नेक्स्ट प्लेस पर कॉपी कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस, नाउ आई बिकम्स 3, अगेन कंडीशन टेस्ट होगा 3 greater than equals to 2, मीन्स फोर लूप का कंडीशन कैसा ट्रू, अगेन ट्रू, ट्रू है तो फिर से असाइनमेंट होगा, लेकिन करेंटली आई का वैल्यू क्या है इस केस में, आई इज 3, तो आई के प्लेस पर क्या आएगा 3, 3 plus 1 is 4, तो नेक्स्ट टाइम थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी होगा, फोर्थ इंडेक्स में, मीन्स दैट असाइनमेंट, क्योंकि प्लेस फोर्थ इंडेक्स ऑलरेडी आप एम्प्टी कर चुके हो, क्योंकि इसका एलिमेंट ऑलरेडी कॉपी किस में हो चुका है नेक्स्ट प्लेस पर, तो फोर्थ इंडेक्स में आसानी क्या हो जाएगा 40, अब 40 का करंट प्लेस कैसा हो जाएगा लॉजिकली एम्प्टी, अगेन आई माइनस माइनस, आई बिकम्स 2, 2 greater than equals to 2, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन फिर से परफॉर्म क्या हुआ बॉडी एग्जीक्यूशन, और बॉडी के थ्रू परफॉर्म क्या हो जस्ट डेटा शिफ्टिंग, आई का वैल्यू 2 है, 2 रिप्लेस कराओ 2 plus 1 is 3, नेक्स्ट टाइम इंडेक्स 2 का एलिमेंट आसानी किसमें होगा इंडेक्स 3 में, और इंडेक्स 2 में फाइनली क्या फाउंड हुआ 30, नेक्स्ट थर्ड इंडेक्स में कॉपी हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा जस्ट 30, देन लॉजिकली ये प्लेस कैसा है एम्प्टी, और आपको एलिमेंट इंसर्ट भी किस पोजीशन में कराना थर्ड पोजीशन, और थर्ड पोजीशन आप एम्प्टी बना चुके बाय यूजिंग गिवन लूप, इसके आगे लूप कंटिन्यू होना चाहिए क्या नहीं, देन इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या होगा आई माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा 1 greater than equals to 2, चेक कर सकते हो कंडीशन फॉल्स हो चुका है, फॉल्स हो गया देन कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, जब कंट्रोल लूप के बाहर आया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है आई प्लस वन पोजिशन में क्या आसान हुआ वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम क्या पास किया था 25, और आई प्लस वन आई का वैल्यू क्या 1, 1 plus 1 क्या हो जाए जस्ट 2, तो ए ऑफ 2, 2 इंडेक्स में क्या आसान हो जाए 2 इंडेक्स ऑलरेडी एम्प्टी हो चुका है, इसलिए इस प्लेस पर एलिमेंट कॉपी करना पॉसिबल, इस प्लेस पर आसान क्या होगा 25, चेक कर सकते हो कोई भी एलिमेंट इस केस में रिप्लेस हुआ है क्या नहीं, प्लस न्यू एलिमेंट प्रॉपरली इंसर्ट कराना भी पॉसिबल, लेकिन डायरेक्टली इंसर्ट ना करा के इंसर्ट करने से पहले जस्ट रिक्वायर्ड किया हुआ डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। क्लियर, नेक्स्ट वन इस केस में रिटर्न क्या हो रिटर्न 1 इन कॉलिंग प्लेस, तो कॉलिंग प्लेस पर जब भी इंसर्ट फंक्शन को कॉल करोगे वहाँ टेस्ट करोगे कि मिस एलिमेंट इंसर्ट हुआ है कि नहीं, अगर इंसर्ट हुआ है देन रिटर्न क्या हुआ है 1 अदरवाइज 0, अगर इंसर्ट हो चुका है देन इस केस में परफॉर्म क्या कराओगे एन माइनस माइनस, तो सॉरी एन प्लस प्लस, क्योंकि एरे का साइज 1 से इंक्रीज हो जाएगा एवरी टाइम, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 6। क्लियर, दिस इज द ऑपरेशन। नेक्स्ट वन व्हाट इज द रिक्वायर्ड लॉजिक्स फॉर मेन फंक्शंस, अभी तो मैंने जस्ट इंसर्ट करने के लॉजिक मैंने सेपरेटली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के फॉर्म में प्रोवाइड किए कॉल्ड एज इंसर्ट, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या करें इसको टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ मेन फंक्शन, तो मेन के अंदर राइट क्या करें जस्ट बेसिक स्टेप जो कि प्रीवियस केसेस में फॉलो किए सेम एज प्रीवियस, इन दैट केस ऑलरेडी मैंने आपको बताया मेन फंक्शन को क्रिएट करने का स्टेप क्या, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, सेकेंड वन रीडिंग इनपुट्स, थर्ड वन अप्लाइंग लॉजिक्स, लॉजिक ऑलरेडी मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के फॉर्म में क्रिएट कर चुका हूँ, देन फाइनली डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स और आउटपुट। फर्स्ट वन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में चेक कर सकते हो मेन के अंदर कितने डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड हैं, फर्स्ट वन रिक्वायर्ड क्या हुआ एरे, एंड एरे का करेंट साइज मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ जस्ट एन, एरे ए एंड वेरिएबल एन, एन के अंदर मैनेज क्या करें करेंट साइज, इसके अलावा एरे के एलिमेंट को इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इंडेक्स वेरिएबल आई,
देन जैसे एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, उसे एलिमेंट का वैल्यू स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ आइटम, प्लस एलिमेंट किस पोजीशन में इंसर्ट कराना है, पोजीशन भी रिक्वायर्ड हुआ, पोजीशन किस रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल पी। तो फाइनली कितने वेरिएबल रिक्वायर्ड इस केस में, 5 वेरिएबल्स। चेक कर सकते हैं मैन के बिगिनिंग में कितने वेरिएबल डिक्लेरेशन, 5। एरे प्लस साइज स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, एन। इंडेक्सेस मैनेज करने के लिए आई, प्लस जैसे आइटम के रिस्पेक्ट में इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, उस आइटम का वैल्यू किस में मैनेज करें, वेरिएबल आइटम, किस पोजीशन में मैनेज करेंगे, पी। क्लियर। नेक्स्ट वन रीड ऑपरेशन। फाइनली इसके साथ इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, चेक कर सकते हो जब इसे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करो तो इंसर्ट फंक्शन में रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या है, एरे एन इज करेंट साइज ऑफ एरे आइटम एंड पोजिशन। तो टोटल आपको इनपुट्स भी कितने रीड करना है, 4। तो सबसे पहले रीड क्या करोगे, इनिशियल साइज ऑफ एरे, साइज किसके फॉर्म में मैनेज करें, वेरिएबल एन के फॉर्म में। तो सबसे पहले एन का वैल्यू रीड करेंगे, फर्स्ट केस में चेक कर सकते हो स्कैनएफ के थ्रू रीड क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ एन, सपोज दैट एंटर किया गया 5। तो नेक्स्ट टाइम एरे के लिए एलिमेंट्स भी कितने रीड करेंगे, ऑल्सो 5 एलिमेंट्स। अगर एन का वैल्यू 5 एंटर हुआ है देन एन एरे के लिए एलिमेंट्स कितने रीड करेंगे, 5 एलिमेंट, लाइक दैट। नेक्स्ट टाइम रीड क्या करोगे, एलिमेंट एन एलिमेंट्स फॉर गिवन एरे। नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हैं लूप के हेल्प से, जस्ट स्कैनएफ का यूज करके रीड क्या हो रहा है, एन एलिमेंट्स फॉर एरे। नेक्स्ट टाइम एलिमेंट्स रीड डाउन करने के बाद नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराएंगे, इंसर्टेड आइटम, जैसे आइटम को आप इंसर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट टाइम स्कैनएफ के थ्रू रीड क्या हो रहा है, जस्ट आइटम। पुट्स जस्ट आउटपुट डिस्प्ले कराने के, आप मैसेज डिस्प्ले कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुट्स के केस में कोई लॉजिक्स है क्या, नहीं। मीन्स लॉजिक केस में जस्ट स्कैनएफ। देन आइटम रीड करने के बाद आइटम जिस पोजिशन में इंसर्ट कराना चाहते हो रीड क्या करोगे, वैल्यूज फॉर पोजीशन। तो नेक्स्ट टाइम स्कैन ऐप के थ्रू रीड क्या हो रहा है, जस्ट पोजीशन। क्लियर। इसके जस्ट बाद मीन्स रीड ऑपरेशन डिक्लेरेशन भी प्रोवाइड हो चुके हैं, प्लस रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या करोगे, अप्लाइंग लॉजिक्स, लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में कॉल क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शंस, क्योंकि लॉजिक किसके पास है, इंसर्ट फंक्शन के पास। तो इसके इसमें रिक्वायर्ड प्लेस पर कॉल क्या करा लें, इंसर्ट सप्लाइड बाई गिविन इनपुट डेटा। क्लियर। लेकिन इंसर्ट के केस में आपको पता, मीन्स इंसर्ट फंक्शन कॉल करने के बाद कहीं ना कहीं सिंगल एलिमेंट इंसर्ट हो चुका, देन एरे का साइज 1 से इंक्रीज होगा, इसलिए एन में परफॉर्म क्या कराएंगे, जस्ट इंक्रीमेंट। बट सपोज दैट अगर आपने इनवैलिड पोजीशन पास किया था, इससे रिटर्न किया हुआ फर्स्ट, मीन्स कोई इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है, तो इंक्रीमेंट कंडीशनल होगा डायरेक्टली, कंडीशनली। तो कंडीशन के अप्लाई करो इस केस में, इंसर्ट फंक्शन इफ कंडीशन के फॉर्म में कॉल कराएंगे, लाइक दैट इफ इंसर्ट एरे ए कॉमा करेंट साइज एन आइटम देन पी। इससे रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर इस प्लेस पर फॉल्स आया है मीन्स 0, देन उस केस में एन प्लस प्लस परफॉर्म होगा क्या, नहीं, देन बॉडी स्किप हो जाएगा। बट सपोज दैट एलिमेंट इंसर्ट हो चुका, देन रिटर्न क्या हुआ 1, और 1 से इफ कंडीशन में ट्रीट क्या हुआ ट्रू, ट्रू के केस में परफॉर्म क्या हुआ एन प्लस प्लस। तो एन की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इंसर्शन की जस्ट बाद 60। सपोज दैट मैंने इंसर्ट क्या कराया था 60, सॉरी न्यू साइज क्या हुआ जस्ट 6। क्लियर। दिस इज द लॉजिक्स। देन फाइनली ऑपरेशन टेस्ट करने के लिए मैं इसे एरे में कोई भी एलिमेंट रिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, या एरे प्रॉपरली सॉरी एलिमेंट प्रॉपरली इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसे ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए जस्ट डिस्प्ले क्या करा हुए, ऑल एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट्स और ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। जैसे रिजल्ट्स किस फॉर्म में स्टोर हुए, इन द फॉर्म ऑफ एरे, नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या कराएंगे, ऑल एरे एलिमेंट। इस लॉजिक्स को फॉलो करके एलिमेंट्स को रिक्वायर्ड पोजिशन में इंसर्ट कराना पॉसिबल है।